धीरे चलाओ भैया। भगवान चिंतामण गणेश जी और भगवान महाकाल जी के दर्शन करने के बाद मुहूर्त का फॉर्म आज हम सभी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी सिरदे जी और हमारे साथी विधायक भाई दिनेश जैन बोस जी के साथ फॉर्म जमा किया है। 25 तारीख को आदरणीय सचिन पायलट जी और जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन रैली के माध्यम से दो प्रतिलिपि में और जमा करेंगे। दो सेट हमने आज जमा किए हैं। कोई विशेष मुहूर्त था आज? भगवान महाकाल कृपा से आज विशेष मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त। तो आज जो हमारे पूजनीय ब्राह्मण देवता ने निश्चित रूप से भगवान महाकाल का आशीर्वाद मेरे साथ है। 2018 में जो भाजपा के उम्मीदवार उनको हरा, इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भगवान महाकाल और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से घर भेजेंगे और मेरी जीत होगी महाकाल की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से 4-5 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के साथ झूठी गारंटी देकर वोट लिए। 2023 के विधानसभा के चुनाव में किसान भाई की आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, अच्छे दिन आने की बात हुई थी, 2 करोड़ देश के युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी उज्जैन अलोड संसदीय क्षेत्र में। इन 5 सालों में जो श्रीमान भाजपा के उम्मीदवार हैं, 5 सालों में मैं गांव गांव रोज 50 से 60 गांव जा रहा हूं। 5 सालों में एक भी किसी गांव में जाकर किसी चौपाल में ना किसानों की बात की, ना पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवती हमारी बहनों की बात की, ना छिपरा माँ की बात की, ना उज्जैन में टाटा सूर्य जैसा भ्रष्टाचार हो। पूरे उज्जैन अलोड संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा में कहीं संपर्क नहीं, कहीं संवाद नहीं, एक भी बड़ी उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। इन 5 सालों में 60 महीने होते हैं और 60 महीने में 18 से 25 दिन 25 मिनट एक भी वर्ग, वो किसान हो, युवा हो, माता बहन हो, यहाँ के व्यापारी बंधु हो, उज्जैन में छिपरामा हो, या सिंहस्थ की बात हो, या व्यापार उद्योग धंधे की बात हो, किसी भी क्षेत्र में एक उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। सिर्फ 5 साल में भ्रष्टाचार 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 और अपनों का विकास और किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी करके उनकी जमीन लूटना, SDM कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, पटवारी, हर जगह जहाँ इन्होंने जहाँ मौका मिला सिर्फ लूटने का काम किया। यहाँ तक कि जो जिन लोगों ने पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों ने मेहनत करके, वो मंडल अध्यक्ष हो, इनके सेक्टर के हो, या भारतीय जनता पार्टी के अन्य साथियों, इन 5 सालों में एक बार भी उनको बुलाकर चर्चा नहीं की। जो लोग इनके घर जाते थे उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। नगर पालिका चुनाव हो, नगर निगम हो, जनपद हो, जिला परिषद हो, कहीं यहाँ तक कि अभी हमने देखा सिर्फ औपचारिकता करने के लिए इनके विधायक साथियों का प्रचार किया। तो जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों का जिनने भूखा प्यासा रहकर 2019 में विधायक बनाया, उनको कभी बिठाकर बात नहीं की, उनसे चर्चा नहीं की। तो मुद्दे तो इतने अनगिनत हैं। आज 5 साल में छिपरा माह, आज गंदे नाले मिल रहे हैं, पानी अशुद्ध है। आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या स्थिति है। तो टाटा सीवरेज जो 2 साल में काम पूरा होना था, आज 6 साल होने आए लगभग। तो क्या उपलब्धि है? एक बार भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक भी 2 लाइन का क्या किसानों के दाम के लिए बात रखी हो, कभी युवाओं के लिए रोजगार की बात की हो, कभी 2 लाइन लिखकर यहाँ उद्योग धंधे व्यापार स्थापित हो। यहाँ के छोटे व्यापारी आज परेशान है, यहाँ तक कि बात करते हैं बड़ी बड़ी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगभग पूरे उज्जैन अलोड संसदीय क्षेत्र में 50,000 लाख रुपए तक का ऋण नहीं मिला है इनकी सरकार के माध्यम से। तो इतने अनगिनत मुद्दे हैं, अभी धीरे 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 आप लोगों के सामने लाएंगे। कांग्रेस के साथी और बीजेपी में जाते आ रहे, इसके कितना फर्क पड़ा? निश्चित रूप से कौन गया, कार्यकर्ता तो यही है बनाने वाले। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता पार्टी है, वो दावा कर रहे कि हमने 1.5 लाख 2 लाख लोग हमारे लिए। तो कांग्रेस में तो अथाह समुंदर है, यहाँ 2-4 बाल्टी पानी कम होने से फर्क नहीं पड़ना। आप देख रहे हैं घटिया विधानसभा के श्रीमान गए हैं पूर्व विधायक, तो कितने उत्साह के साथ हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हजारों लाखों कार्यकर्ता जिनके दम पे मेरे जैसे लोग जीत कर आए, दिनेश जैन बोस जैसे लोग जीत कर आए, कहीं कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और उनकी मेहनत से और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इस बार भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, माता बहनों के आशीर्वाद से इतिहास लिखेंगे और उज्जैन अलोड संसदीय क्षेत्र से मेरी जीत होगी और फिर हम विकास करेंगे। आप आज यू अमूमन आप फोर व्हीलर गाड़ी से चलते हैं, आज अनोखे तरीके से आप 2 व्हीलर पे आए हैं, क्या कोई मंडी ने ऐसा बताया था कि 2 व्हीलर पे चलना है? निश्चित रूप से एक संदेश देना है ई बाइक से, हमारे इलेक्ट्रॉनिक बाइक से, आदरणीय अध्यक्ष जी हम दोनों, कि जो पेट्रोल डीजल गैस घरेलू उपयोग कीटनाशक दवाई किसानों की, या कृषि यंत्र ट्रैक्टर और ट्राली पंजा सीड्रिल बीज या अन्य सामग्री जो हम रोज दैनिक के उपयोग में खरीदते हैं, उसकी मूल्य में 6-8 गुना वृद्धि हुई है। सिर्फ काम नहीं हुआ तो युवाओं को, पढ़े लिखे नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिला है, किसानों को दाम नहीं मिला है, माता बहनों को सम्मान नहीं मिला, यहाँ के व्यापारी साथियों को व्यापार नहीं बढ़ा है, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ अडानी अंबानी का विकास हुआ है। तो आज जो 2014 में जो पेट्रोल डीजल 55 रुपए था, ई बाइक के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप 100 बार पहुंचाए पेट्रोल,
ये संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हम सब साथी आदरणीय अध्यक्ष जी और हम आए, संदेश देना चाहते हैं कि ये बाल लोग बातों तक पहुंचे। और 2018 में महाकाल के आशीर्वाद से तराना में घर भेजा और 2024 में आप जनता के आशीर्वाद से और महाकाल के आशीर्वाद से फिर घर भेजेंगे। महाकाल की कृपा से जीत मेरी होगी, भले एक वोट जीतूं लेकिन जीत महाकाल कृपा से मेरी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।